स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिताली ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। और आप सबको मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे इस ऑनलाइन नर्सिंग जो चैनल है आप इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स, उससे संबंधित कोई भी सब्जेक्ट के बारे में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स और आपके टॉपिक्स को यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको हम तैयार करने का। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और से कमेंट और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का जो टॉपिक है, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गाइडलाइंस टू मेक द इफेक्टिव ऑडियो विजुअल एड्स, किस तरह से हम एक अच्छे ऑडियो विजुअल एड्स को बना सकते हैं। तो टुडेज टॉपिक आई एम गोइंग टू डील विद द हेल्प ऑफ दिस बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड इज़ अ वन ऑफ द टाइप ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छी तरह से ये समझने पाएंगे कि एक इफ़ेक्टिव ऑडियो वीडियो जो ऑडियो विजुअल एड्स है उसको किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, और उसको प्रिपरेशन के समय आपको क्या बातें खास ध्यान में रखनी है, उसके क्या गाइडलाइंस होना चाहिए। तो हम देखेंगे। गाइडलाइंस फॉर सिलेक्टिंग एंड मेकिंग ऑडियो विजुअल एड्स। सो फर्स्ट टाइम एंड प्लेस। सो इन फर्स्ट टाइम एंड प्लेस, जब भी हम ऑडियो विजुअल एड्स को बना रहे हैं, जब भी हम अपने टीचिंग के लिए ऑडियो विजुअल एड्स को यूज कर रहे हैं, तो इट इज वेरी नेसेसरी टू रिमेंबर always in our mind to selection of the AV aids according to our time, or it should be also the important to select the AV aids to keep in the mind कि आप कहाँ पर उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। अगर आप लार्ज ग्रुप ऑफ लर्नर्स के बीच में अपनी टीचिंग को रख रहे हैं तो आपको दूसरे तरह के AV aids यूज़ करने होंगे। तो हमेशा ये वाली बात आप ध्यान में रखें कि टाइम और प्लेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब ये भी आप अपने टीचिंग के लिए कोई भी एवीएट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं या बना रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज योर एवीएट्स शुड बी ऑलवेज अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव एंड इट शुड बी डायरेक्ट। जो भी आपका मैसेज है वो मैसेज आपका एवीएट्स डायरेक्टली आपके लर्नर्स को या आपके व्यूवर्स हैं वो उसको अचीव कर सके। इसमें कोई भी घुमाव फिराव नहीं होना चाहिए। योर एवीएट्स शुड बी ऑलवेज डायरेक्ट एंड इट शुड बी वेरी सिंपल एंड अट्रैक्टिव। सिलेक्शन ऑफ कलर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कलर। आप जो भी कलर्स यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए कि ये येलो कलर का एक मैंने यहाँ पे फ्लावर बनाया है, और येलो कलर के फ्लावर के ऊपर मैं अगर मैं लाइट कलर का कोई भी कलर यूज करती या स्केच यूज करती या मार्कर यूज करती तो वो उस तरह से उभर के नहीं दिखता, लेकिन मैंने यहाँ पे डार्क कलर का यूज किया है तो आई थिंक ये आपको दूर से भी दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरह का जब भी आप कोई भी एविट्स बना रहे हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड्स भी बना रहे हैं, स्लाइड्स का बैकग्राउंड कैसा है, तो बैकग्राउंड अगर लाइट कलर का है तो जो आपका जो भी आपका लेटर्स हैं, जो भी आपका कंटेंट है वो हमेशा डार्क कलर के होने चाहिए। सो सिलेक्शन ऑफ कलर। अनदर पॉइंट इज इट शुड बी योर एविट शुड बी ऑलवेज ईजी टू हैंडल। कई बार इतने बड़े बड़े एविट्स बन जाते हैं और फिर वो एविट्स को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और कई बार इतने ऐसे एविट्स होते हैं कि उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में या तो वो डैमेज हो जाते हैं या तो फिर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। तो आपके एविट्स हमेशा ऐसे होने चाहिए कि आप उनको ईजिली पोर्ट कर सको, इधर से उधर आप उनको ईजिली हैंडल कर सके। नेक्स्ट की पॉइंट्स, जो भी एविएट्स आप बता रहे हैं उस पे आपके कंटेंट्स रिलेटेड की पॉइंट्स जरूर होना चाहिए। अनदर वन इज इट शुड बी इजी टू सी। आपके फर्स्ट बेंच के जो लर्नर्स हैं, फर्स्ट रो के जो लर्नर्स हैं, उन तक तो इजीली आपके जो भी एविएट्स होते हैं वो इजीली वो देख पाते हैं। तो
ईजी टू सी का मतलब ये होता है कि लास्ट तक के जो आपके लर्नर्स हैं वो तक आपका जो भी मैसेज है, जो भी आपके कंटेंट है, वो ऐसे होना चाहिए कि वो विजुअल होना चाहिए, वो उनको दिखाई देना चाहिए. तो ऐसे आप एविएट्स को प्रिपेयर करना है. इट शुड बी ईजी टू सी. Another guideline or another criteria to select the effective aviates is it should be encourage the viewers. जो भी आपके learners हैं aviates के effectiveness से, आप हमेशा अपने teaching में आपके learners को क्या करके रख सकते हैं, encourage कर सकते हैं. आप जो कुछ भी बताएंगे तो आपके aviates के effectiveness से जो आपके learners हैं वो क्या होंगे, motivate होंगे. और आपके aviates इतने effective होने चाहिए, इतने educate होना चाहिए कि वो दूसरे जो आपके learners हैं या जो भी आपके एविएट्स को देख रहे हैं वो उनको क्या कर सके, एनकरेज कर सके. नेक्स्ट इज एक्यूरेट. सो बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है कि हमेशा आप जब भी आपका एविएट्स का आप सिलेक्शन कर रहे हैं, आप एविएट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ योर एविएट्स आप अपने क्लास को, आप अपने जो भी कंटेंट है, जो भी आपका मटेरियल, अगर आप उसको इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि योर एविएट्स शुड बी ऑलवेज इन एक्यूरेट इन मैनर. Another guideline to make the effective aviate should be understandable. जो भी आप सिखाना चाह रहे हैं, जो भी आप बताना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपका aviate कुछ कह रहा है, आप कुछ कन्वे कर रहे हैं और उसके आपके लर्नर्स को किसी और वे में ले रहे हैं. तो आपका aviate ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर चैनल में होना चाहिए. जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं, हमेशा आपका जो एविएट्स है वही चीज़ कन्वे करना है जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं. जो टीचिंग आपका जो कंटेंट है वो रेलेवेंट है तो आपके जो भी एविएट्स हैं ऑलवेज इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. Another guideline to make a effective aviates is avoid overwriting. जब भी आप कुछ बना रहे हैं, for example आप एक chart prepare कर रहे हैं, तो उसमें आपको overwriting नहीं करना है. Otherwise जो इसका presentation है, जो इसका appearance है, वो अच्छा नहीं आएगा. और एक बार अगर आपका aviates का presentation अगर शुरू में ही आपने overwriting दिखा दी, क्योंकि अगर आपने पूरे chart में कहीं पर भी overwriting की है या मेरे इस content में अगर मैंने कहीं overwriting करी है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान आप चाहे कुछ भी कर लो वहीं पर जाएगा, जो गलती है उसी पर जाएगा. इसलिए अवॉइड overwriting. कोई भी चीज़ के लिए अगर आप overwriting कर रहे हैं तो वो फिर aviates आपका एक इफेक्टिव आपको आपके टीचिंग को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. तो हमेशा ये वाली बात ध्यान में रखें, यू ऑलवेज avoid overwriting in your aviates. Another guideline to prepare the effective aviates, it is remember it should be up to dates idea. जो भी आपके ideas हैं, जो भी आपका जो भी convey करने का जो भी content है वो हमेशा up to date होना चाहिए. और ज़्यादा अगर ख़राब है तो फिर आप उसको बिल्कुल भी आप उसको शो मत करो, आप उसको यूज़ मत करो. हमेशा अप टू डेट आइडियाज़ के साथ ही आपको अपने एविएट्स को बनाना है. कई बार स्टूडेंट्स ऐसे एविएट्स बना लेते हैं, थोड़ा सा पेपर का एक टुकड़ा भी बनता है तो वो उसको फ्लैश कार्ड बना लेते हैं या उसको हैंड आउट के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं या उसको लीफलेट बना लेते हैं. लेकिन हर एक एविएट्स का एक आइडियल साइज होता है, उसमें कितने लेटर्स होने चाहिए, उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए, उसमें कितने लाइन्स होने चाहिए, उनमें कितने मार्जिन्स आपको डालना है, ये एक पर्टिकुलर हर एविएट्स का एक गिवन एक स्टैंडर्ड है. तो हमेशा आपका जो एविएट है इट शुड बी अप टू डेट आइडिया. Another guideline is message to be convey. जो भी आप मैसेज कर रहे हैं वो मैसेज आपके एविएट्स की इफेक्टिवनेस के बेस्ड में ही ये डिसाइड करता है कि
क्या वो आपके लर्नर्स तक कन्वे हुआ है जो आप एक्चुअली में जो आप कन्वे करना चाहते हैं या नहीं हुआ है, तो हमेशा आपका एवियट्स इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि जो मैसेज आप अपने लर्नर्स को कन्वे करना चाहते हैं, ऑलवेज इट शुड बी कन्वेड. Another and last criteria is it is very important for effective teaching or effective outcome of your teaching or every person, it is essential to know about the last guideline or selection for the preparation or making of the audiovisual aid. This is the most important point. Always your AV8, it should be इन गुड वर्किंग कंडीशन. आपने एवियट प्रिपेयर किया है तो हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखना है, अगर आपने पावर पॉइंट बनाया है या आपने आपने ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, आप शीट के थ्रू अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं. कई बार ऐसा होता है कि बना लिया है, आपने प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन आपने अपने क्लास के पहले आपके जो भी प्रोजेक्टर्स हैं आपने उनको चला के नहीं देखा या आपने उसको प्रिपेयर करके नहीं रखा है, और अगर उसके बाद में जब आपका वो एवियट्स प्रेजेंट करने का टाइम आ रहा है, या तो फिर आपका स्लाइड्स नहीं बढ़ रहा है, या तो आपके पास केबल का कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, या तो आपका जो OHP है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो हमेशा ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि जो आपके एवियट्स हैं वो हमेशा गुड कंडीशन में होना चाहिए. आपकी एक टीचर की ये उसकी जवाबदारी हो जाती है, जो एवियट्स बना रहा है, जो एवियट्स यूज कर रहा है, कि हमेशा आपके एवियट्स, अगर आप प्रोजेक्टेड एड्स यूज कर रहे हैं तो आपके प्रोजेक्टर्स को जो भी आप यूज कर रहे हैं आप उनको पहले से चेक करें. क्लास के बिफोर क्लास आपको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर प्रोजेक्टर बिफोर योर क्लास और बिफोर योर प्रेजेंटेशन. और अगर आप नॉन प्रोजेक्टेड एड्स भी आप यूज कर रहे हैं तो वो भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार रखे रखे नॉन प्रोजेक्टेड एड्स जैसे कि चार्ट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, फ्लिप कार्ड्स हैं, फ्लिप बुक्स हैं, ये भी डैमेज हो जाते हैं. तो वही डैमेज कंटेंट मटेरियल लेकर आपको आपके लर्नर्स के सामने नहीं खड़े होना है. आपके एवियट्स इस तरह से होना चाहिए कि जो भी मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो इफेक्टिवली आपकी टीचिंग को क्या करें, इफेक्टिव बनाए. क्योंकि जो एवियट्स होते हैं, एक इफेक्टिव, ऐसा मेरा सोचना है, एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए एवियट्स हमेशा एक बैकबोन का रोल प्ले करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन एंड मेकिंग ऑडियो विजुअल एड्स.